हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू एलेक्स सर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर प्रोग्राम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन की। जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसका अगर हम लोग डिजिट्स रिवर्स करते हैं तो अगर हमें वही नंबर वापस से मिल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं वो नंबर पैलिंड्रोम नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे, यानी 121 रिवर्स करने के बाद भी हमें 121 ही मिल रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 121 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। तो जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें डिजिट का एक्सट्रैक्शन करना होता है तो हम लोग व्हाइल लूप को प्रेफर करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने नंबर की डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद हमें उन डिजिट्स का रिवर्सल करना है, एंड एट लास्ट हमें क्या करना है, उनको कंपेयर करके देखना है कि जो ओरिजिनल नंबर था और जो रिवर्स करने के बाद हमारे पास नंबर आया है क्या वो दोनों इक्वल है या नहीं। तो इसे अगर हम लोग अपने कोड में रेप्लिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना नंबर इनपुट करा देंगे। ऊपर की लाइन आई होप आपको आती होगी, मैं आपको सिर्फ मेन लॉजिक बता रही हूँ। तो नंबर इनपुट कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे व्हाइल एन इज ग्रेटर देन 0। और इस लूप में तब तक ये लूप हमारा चलेगा जब तक हमारा एन 0 से बड़ा है। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इन डी इज इक्वल टू एन मॉड 10। अब यहाँ पर जो मैंने डी इज इक्वल टू एन मॉड 10 लिखा है, ये बेसिकली मैंने एज अ लॉजिक यूज किया है यहाँ पर डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मॉडुलस बेसिकली हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आसान भाषा में मैं कहूँ तो हमें अपने नंबर की आखिरी डिजिट मिलेगी अगर हम एन मॉड 10 कर रहे हैं। तो अगर मैंने अपने नंबर को फॉर से, मेरा नंबर है 121 और उसका मॉड मैंने 10 से किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी आखिरी डिजिट मिल जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि व्हाइल लूप हमेशा हमको लास्ट से डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करके देता है 1 बाय 1। ऑलराइट, एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे रिवर्स, जिसको हम लोग 0 डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेव इज इक्वल टू रेव इंटू 10+D। अब मैं ये क्यों लिख रही हूँ, ये बेसिकली मैंने लॉजिक लिखा है अपने डिजिट्स को रिवर्स करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 123 है तो अभी ये नंबर आप लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इससे कहूं आपसे कि इस नंबर को आपको रिवर्स करना है तो आप क्या करेंगे, इन इसके डिजिट्स को आप राइट से लेफ्ट लिखेंगे, यानी 3 2 1, यानी 1 2 3, तो ये रिवर्स हो गया। तो यही सेम लॉजिक मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर अपने नंबर की लास्ट डिजिट को एक एक करके निकालती जा रही हूँ और 1 बाय 1 उन्हें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करती जा रही हूँ, इसलिए मैंने लिखा है रेव इंटू 10+D। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू एन बाय 10। एन इज इक्वल टू एन बाय 10 बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब हमने अपने नंबर की एक डिजिट निकाल ली है तो हमें क्या करना होगा, उस डिजिट को हटाना भी होगा, अदरवाइज वो लूप में हमें बार बार मिलेगी। इसलिए हम यहाँ पर डिविजन कर रहे हैं, यानी बाय 10 कर रहे हैं। डिविजन हमेशा हमको क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पर जब हम लोग एन इज इक्वल टू एन बाय 10 करेंगे तो हम लोग जो डिजिट यूज कर चुके हैं उसको अपने नंबर से रिमूव कर देंगे। इस पूरे लूप में मैंने क्या किया है, नंबर की अपने 1 बाय 1 डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उन डिजिट्स को हम लोग लेफ्ट की तरफ एक एक करके शिफ्ट करते जा रहे हैं। एट लास्ट हम लोग अपने नंबर को रिड्यूस भी करते जा रहे हैं। तो अगर हम इसका ड्राई रन देखें तो फर्स्ट टाइम में हमने नंबर इनपुट कराया 121, वो लूप के अंदर गया, 121 इज ग्रेटर देन 0, यस ग्रेटर देन 0, अंदर आया इंट डी इज इक्वल टू एन मॉड 10, यानी 121 मॉड 10 किया, तो इसमें हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। उसके बाद वो सेकेंड लाइन में आया रेव इज इक्वल टू रेव इंटू 10+D, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 0 इंटू 10+1, डी की वैल्यू हमारी 1 थी, तो यहाँ पर रेव को क्या मिल गया, रेव को मिल गया 1। अब उसके बाद वो आया एन इज इक्वल टू एन बाय 10, यानी अब हम लोग 1 को एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं तो हमें 1 को हटाना भी होगा। तो अब हम लोग करेंगे 121 बाय 10, तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, हमारा जो 1 है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे एन की वैल्यू हो गई 12, तो हमारा लूप सेकेंड टाइम चलेगा, तो एन की वैल्यू आ गई 12। उसके बाद वो लूप के अंदर आया, उसने लिखा, देखा इंट डी इज इक्वल टू एन मॉड 10, यानी
मॉड 10 करेगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। उसके बाद आएगा रेव इज इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस डी। ये जो रेव की वैल्यू थी हमारी वो पहले क्या थी, 1 थी, तो अब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 12। उसके बाद क्या होगा, अब हम लोग आएंगे अपनी थर्ड लाइन पे, तो आएगा n इज इक्वल टू n बाय 10, यानी अब हम लोग को 12 को 10 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि हम अपना 2 यूज कर चुके हैं, तो अब हमें अपने 2 को रिमूव भी करना होगा, अदरवाइज वो लूप में बार बार आएगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। वापस से हमारा लूप चलेगा थर्ड टाइम, तो अब n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो क्या 1 0 से बड़ा है, यस, वो अंदर आएगा लूप के। int d इज इक्वल टू n मॉड 10, यानी 1 मॉड 10 करेगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। उसके बाद जाएगा वो सेकेंड लाइन पे जहां लिखा है rev इज इक्वल टू rev इंटू 10 प्लस डी, यानी पिछली बार rev की वैल्यू क्या थी, 12 थी, तो अब क्या हो जाएगी, rev इज इक्वल टू rev इंटू 10, यानी 12 इंटू 10 प्लस डी, यानी 1 जो अभी हमें मिला है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 121 आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, अब हम 1 को यूज कर चुके हैं तो 1 को रिमूव भी करेंगे, तो क्या करेंगे, 1/10 करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो जब कभी भी हम लोग इंटीजर टू इंटीजर डिवीजन करते हैं तो हमें हमेशा इंटीजर वैल्यू ही मिलती है। नो डाउट यहाँ पर हमें कुछ 0 पॉइंट करके आंसर मिल रहा होगा, बट हम यहाँ पर इंटीजर से इंटीजर डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। फोर्थ टाइम में हमारी वैल्यू है 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, हम लोग लूप के बाहर आ गए। तो अब हमें क्या करना है, हमने डिजिट निकाल ली, हमने अपनी डिजिट्स को रिवर्स भी कर लिया, अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल टेम्प नाम से ऊपर डिक्लेयर कर देंगे और एन की वैल्यू एज अ कॉपी उसे दे देंगे, यानी राइट की वैल्यू हम लोग लेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे एज अ कॉपी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे, जो रिवर्स हमें नंबर मिला है क्या वो हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे इफ रेव इज इक्वल टू टेम्प, यानी अगर हमारा रिवर्स नंबर और जो हमने एज अ कॉपी स्टोर कराया है एन की वैल्यू वो दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा नंबर पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने जो आपको लॉजिक बताया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका कोड मैंने अपनी वेबसाइट में दे रखा है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।